आज हमारे साथ जनार्दन सिंह जी सिग्रीवाल, महाराजगंज बिहार से। आपका स्वागत है इंडिया 543। आपके माध्यम से पूरे राज्य और देश के जनता को, विशेष करके मैं महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र की जनता को हृदय से बधाई करता हूँ। आपके चैनल परिवार को भी हृदय से बधाई। मैं जानना चाहूँगा कि इन चार सालों में आपके क्षेत्र में जो जो विकास हुआ है, पहले तो विकास के बारे में बात, किस तरह से और क्या क्या विकास शुरू हो चुके हैं, क्या कार्य कम्प्लीट हुए और क्या क्या कार्य होने वाले हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, जब 2014 में माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी, तो सबसे बड़ा उत्साह क्षेत्र में एक आया और लोगों को यह अटूट विश्वास जो आया कि भाई क्षेत्र में विकास होगा, समाज में विकास होगा, राज्य और देश की एक उन्नति होगी और उसका एक मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ेगा। 100% वह धरती पर उतरा और लोगों का मान सम्मान स्वाभिमान भी देश स्तर पर क्षेत्र स्तर पर बढ़ा है। विकास की जहाँ तक बात है, विकास से तो मेरे यहाँ पूर्ण रूपेण अवरोध था। मेरे लोकसभा क्षेत्र में विकास की कोई बात नहीं होती थी, विकास करने का एजेंडा ही पूर्व के मेरे सांसदों में नहीं थी। वे लोग एक अपना गुमराही एजेंडा चला करके और लोगों का वोट ले लेते थे और फिर विकास से वहाँ से दूर हो जाता था, विकास होता नहीं था। जब चुनाव आता था तो कोई ना कोई एजेंडा ले जाते थे जनता के सामने। लेकिन आज विकास की बात करें तो मैं दो तीन भारत सरकार की, मैं जो मेरे क्षेत्र से रोड गुजरती है, एक NH 101 है, NH 85 है, NH 19 है, जो काफ़ी जर्जर स्थिति में थी। रोड नहीं था, रोड के जगह पर नाले हो गए थे, गड्ढे बन गए थे। रोड पर चलने की बात तो गाड़ी घोड़ा की दुभर रही, लोग पैदल भी चलना मुश्किल समझते थे। लेकिन आज ये जाइए, कम दिनों में, मेरे सांसद बनने के कम दिनों में 3 महीना के अंदर वह रोड चलेबल हो गया और आज अब जाइए तो एक अच्छा क्वालिटी का वह रोड बनकर के वहाँ तैयार हो गया है। NH 85 जो मेरे यहाँ बन रहा है वह राज्य का प्रथम रोड है, जो पूरे जहाँ तक वह रोड जा रही है दोनों साइड में PCC नाला बना हुआ है, बाईपास बने हुए हैं, जहाँ जहाँ बाजार और गांव है लाइट लगाए गए हैं। तो मैं लगता है कि यह देख करके पहले और आज में ये लगता है कि आकाश पताल का अंतर दिख रहा है। अन्य रोड भी है, एक मेरे क्षेत्र में कोपा बस डीला से होकर के जलालपुर होते हुए नगरा और सातपुर तक जाती है, वह भी जर्जर स्थिति में थे, वह भी बन करके तैयार हो गया। लाइट नहीं थी, सैकड़ों गाँव ऐसे थे जहाँ बिजली नहीं पहुँची थी, सैकड़ों गाँव, लोग ये प्रमुख बाजार क्षेत्र में थे जहाँ बिजली नहीं थी। मैं बधाई देना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना लाया और उसके माध्यम से आज अब क्षेत्र में हमें लगता है कि कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ बिजली नहीं है। अब ये घर भी खोजना पड़ेगा कि कोई ऐसा घर भी मिल जाए जहाँ बिजली नहीं हो। बिजली पहले रहती नहीं थी, तार जर्जर थे, आज वह तार केबल के तार माने कवर्ड वायर आज गांव में भी दिख रहे हैं, गांव में लग रहे हैं। जहाँ छोटे पहले ट्रांसफार्मर 16 और 25 वाट के थे, इक्का दुक्का गांव में कहीं ट्रांसफार्मर दिखते थे, लेकिन आज गांव में जिस गांव सर्वेड जो गांव हो गए, आज वह टोले वाइज ट्रांसफार्मर मिनिमम 63 KV का ट्रांसफार्मर, 100 और 200 KV का भी ट्रांसफार्मर गाँव में दिख रहे हैं। पावर सब स्टेशन, चाहे वह मेरे क्षेत्र के मलमलिया में हो, चाहे जलालपुर के चतरा में हो, चाहे ईसुआपुर में हो, चाहे महाराजगंज में हो, चाहे एकमा में हो, मांझी में हो, यह सब जो बिजली आपूर्ति के लिए पावर सबग्रेड स्टेशन थे, वह या तो आधुनिक बने या फिर उसके पावर बदले गए, उसके ट्रांसफार्मर के पावर बदले गए, जिससे आज लोगों को आज वहाँ बिजली आपूर्ति हो रही है और कम नहीं हो रही है। आज गाँव में भी 18 घंटा से 22 घंटा, कभी कभी तो 24 घंटे तक बिजली रहती है, 18 घंटा मिली और 22 घंटा तक के अंदर बिजली रह रही है, रोड से लेकर के बिजली तक। सबसे बड़ी बात मैं यह कहूँ कि यह लगता था कि गैस पर खाना बनाने का एक अधिकार सिर्फ बड़े परिवार के लोगों के अंदर है, यह कभी कुछ लोगों ने सोचा भी नहीं था कि गाँव में रहने वाले, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, मरई
के मकान में रहने वाले भी उस माताओं और बहनों को गैस के चूल्हे पर खाने बनाने का मौका मिलेगा। लेकिन आज जाइए, प्रधानमंत्री जी को मैं फिर बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने उज्ज्वला योजना लाया, और उज्ज्वला योजना के माध्यम से आज गाँव के उस गरीब माताओं और बहनों को भी वह चूल्हे के सामने आँख से आंसू टपकाने का मौका नहीं मिल रहा है, वह भी गैस पर खाना बना रही है और ससमय खाना बनाने का उनको मौका मिल रहा है। यह उपलब्धि सरकार की, यह बड़ी उपलब्धि है, समान उपलब्धि नहीं है। हमें अन्य क्षेत्रों में भी अगर हम जाएं तो वैसे लोग जो क्षेत्र में लाखों के तादाद में थे, जिनको अपना बैंक का खाता नहीं था, प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से उन लाखों लोगों को वह खाता खोलने का काम हुआ। हमें उन लोगों को समान रूप से लोग जानता था कि पेंशन उन्हें मिलेगा जो या तो सरकारी सर्विस में होंगे या गैर सरकारी सर्विस में होंगे, जहां पेंशन निर्धारित होगा वहां मिलेगा। लेकिन अटल पेंशन योजना चालू कर करके इस सरकार ने पेंशन, हमें आज स्वच्छता के मिशन को भी गाँव तक वह पहुँचने लगा है, और गांव में जो आज घर बन रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से, वहां शौचालय भी बन रहे हैं, वहां पानी के भी शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो रही है। हमें लगता है कि सात निश्चय के माध्यम से गांव में नल, हर घर जल, हर घर बिजली, गांव के नाले और सड़क बनाए जा रहे हैं। यह हमें लगता है कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन यह 4 सालों के अंदर में हुआ है।